हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फैजान मलिक और आप देख रहे हैं फैजू की टिप्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपसे बात करूँगा हाजमे को लेकर। हाजमे में जो परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को, उससे रिलेटेड मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा कि आपका हाजमा एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ के साथ आपको थोड़ा परहेज़ करना ज़रूरी है। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको ऐसा ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको ऑयली, ज़्यादा फैटी खाना, जिसमें मिर्चें वर्चें ज़्यादा ना हो, ये चीज़ें नहीं खानी है। जैसे आजकल लोग जो हैं वो ज़्यादा चाइनीज़ फूड पसंद करते हैं, चाउमीन, मोमोज़ वगैरह, इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज़ रखें। खाने का अगर मन करता है आपका, तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार खा सकते हैं। ये नहीं है कि आप डेली रूटीन बना लें। फिर उसके बावजूद अगर आपको हाजमे की दिक्कत होती है, तो आपको हाजमे के लिए फिर आपके माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि हम क्या चीज़ ऐसी इस्तेमाल करें जिससे आपका हाजमा दुरुस्त हो जाए। तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे ऐसे जो मार्केट में आप लोगों को लोग बताएंगे कि ये फ़ायदा ज़्यादा करेगा, ये फ़ायदा ज़्यादा करेगा। मैंने भी और बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, जैसे एक एल्केम जाइम के नाम से मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो आपको अल्टीमेट रिज़ल्ट देगा। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें, एल्केम जाइम के नाम से सीरप है, उसमें आपको अल्टीमेट काम देखने को मिलेगा, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़, उसका फ़ायदा ये है कि उसका एक टेस्ट भी एक बेहतरीन टेस्ट माना जाता है, खट्टा मीठा। तो आज मैं आपसे बात करूँगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो बहुत प्रसिद्ध रहता है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास मैपराजाइम है। ये मैपराजाइम के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर मतलब किस किस काम में आता है। ये तो डाइजेस्टिव एंड पेप्सिड लिक्विड, ये दो चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती हैं। साफ साफ इसे मेंशन किया रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम, हाजमा करने के इसके अंदर कण मिक्स किए रहते हैं। दूसरा ये है कि ये इलायची फ्लेवर है, आपको पीने में ये भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा, आपको किसी तरीके की दुर्गंध नहीं आएगी। और आप मतलब कुछ लोगों का ये मन होता है कि हम सिरप नहीं पी पाते हैं, तो अगर सिरप का टेस्ट बुरा होता है तो वो अगर उनको दे भी दोगे तब भी वो पी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी नहीं पी पाते हैं और ऊपर से फिर आपने उनका टेस्ट बेकार कर दिया। तो इसलिए ये सिरप जितने भी हाजमे वाले होते हैं, ये थोड़े से फ्लेवर्ड बनाए जाते हैं ताकि पीने वाले इंसान को थोड़ा उनको पीने में अच्छा लगे, स्मेल नहीं आना चाहिए किसी तरीके की बुरी। तो आपसे बात करता चलूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स की रहती हैं। तो डाइजेस्टिव जो है 50 mg मिलाया गया है और पेप्सिन लिक्विड जो है वो 10 mg मिक्स किया रहता है। बात कर लें इसके अंदर, इसको मैं थोड़ी सावधानी होगी तो आपको कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना है और इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से हिला लेना है। मैं इसको आपकी पैकिंग दिखा देता हूँ साथ के साथ। ये आप देख सकते हैं अच्छी पैकिंग रहती है, ये कैप साथ में आता है इसके और ये शीशी रहती है इसकी। ध्यान ये रखना है कि ये शीशे की होती है, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें, क्योंकि अगर ये बच्चों के हाथ चढ़ गई तो तोड़ देते हैं बच्चे, उसमें फिर दिक्कत आती है, नुकसान भी होता है, पैसों का भी नुकसान होता है। और फिर अगर बच्चों को लग गया शीशा वगैरह तो फिर उनके ज़ख्म वगैरह बन जाते हैं, तो इसलिए आपको ये खास ध्यान रखना है। तो ये 200 ml का सिरप आपको मार्केट में हर जगह मिल जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन परचेज़ कर लें, चाहे आप ऑफलाइन परचेज़ कर लें, आपको हर जगह मिलेगा। साथ के साथ मैं आपसे बात करता चलूँ इसकी कंपनी की, तो ये मैपरा का है। मैपरा एक अल्टीमेट रिज़ल्ट देती है, आप इसको गूगल सर्च करके देखें, इसके आपको अल्टीमेट रिज़ल्ट और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। बात करूँ इसकी डोज़ की, तो अगर आप एडल्ट हैं, मतलब अगर आपकी एज 18 साल है, तब आप इसकी 5 ml डोज लेंगे, सुबह और शाम दो टाइम लेंगे। और अगर आपकी एज वहीं कम है, अगर आप बच्चे हैं, मान लो अगर आप 12-13 साल तक के हैं, तब आप 2.5 ml की डोज लेंगे, लेना आपको फिर भी दो ही टाइम है, तीन टाइम आप इसको नहीं करेंगे, ये आपको खास ध्यान रखना है। और साथ के साथ मैं आपसे बात करता चलूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसका साइड इफ़ेक्ट कोई प्रेगनेंसी में भी नज़र नहीं आता है, ना ही कोई लीवर पर कोई साइड इफेक्ट नज़र आता है, ना ही कोई किडनी पर नज़र आता है। और हाँ, इसको इस्तेमाल करने के बाद जैसे आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि अगर आप किसी मानसिक फोकस वाला काम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत आएगी, तो आपको इससे भी ऐसी भी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगी जिससे आपको ऐसा लगे कि मुझे चक्कर आ रहा है या नींद आ रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आती है। फिर मैं आपसे बात करता चलूँ इसकी MRP की, तो ये 200 ml का सिरप आपको 130 रुपये मिलेगा। मार्केट परचेज़ कर लें आप, चाहे ऑनलाइन परचेज़ कर लें, आपको हर जगह मिल जाएगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ के साथ शेयर कर देना। और आप लोगों के माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं ना बता पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। चलिए, कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।